कई दिनों से मैं सोच रही थी कि ऐसे पेंटिंग्स को रिक्रिएट किया जाए, यानी कि सेल्फ पोर्ट्रेट्स के थ्रू। तो आज मैं आप लोगों के सामने दो पोर्ट्रेट्स लेके आने वाली हूँ जो कि इंडियन वुमेन पेंटिंग्स के रिक्रिएशन होने वाले हैं। चाह तो मैं रही थी कि 4 से 5 पेंटिंग्स को रिक्रिएट करूँ, लेकिन हो नहीं सका, टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स रहते हैं, बहुत सारे और भी चीज़ें रहती हैं, जिसकी वजह से मैं सिर्फ 2 पेंटिंग्स लेके आ रही हूँ जिनको मैंने रिक्रिएट किया है सेल्फ पोर्ट्रेट्स को खींच के। पोर्ट्रेट्स क्लिक के साथ में मैं आप लोगों की उसकी एडिटिंग भी बताऊँगी कि कैसे किस हिसाब से आप जा सकते हैं। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, लेकिन मैं आप लोगों को आइडिया ज़रूर दे सकती हूँ कैसे आप उनकी एडिटिंग कर सकते हैं, ताकि आपका एकदम ही जो नेचुरल पोर्ट्रेट है वो एक पेंटिंग लुक में आ सके। तो यही आज के इस वीडियो में होने वाला है। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि इस वीडियो को बनाऊं, तो कुछ फ़ोटोज़ मैंने ऑलरेडी ले लिए हैं, इन द सेंस आप पूरी जर्नी इस वीडियो में देखेंगे। और मैंने एडिटिंग भी करनी चाहिए, लेकिन पूरी अभी तक तो हुई नहीं है, लेकिन एंड ऑफ द वीडियो आप लोगों को ज़रूर पता चलेगा कि ये सारे जो फ़ोटोज़ मैंने लिए हैं वो एक्चुअल में वर्थ रहे हैं कि नहीं रहे हैं, पेंटिंग्स लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, कैसे हुआ ये वीडियो तैयार, ये सब चीज़ें आप इस वीडियो में देखेंगे। होप कि ये सारे रिक्रिएटेड पेंटिंग्स जो हैं, इन फ़ोटोज़ आप लोगों को पसंद आएंगे। अगर पसंद आएंगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। और चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मैंने यहाँ पे अभी गूगल ऑन कर लिया है और गूगल में मैं टाइप करने वाली हूँ इंडियन वुमेन पेंटिंग्स। ऑलरेडी हैव टाइप्ड और बहुत सारे पेंटिंग्स इस तरीके से आ चुके हैं एंड दे आर ऑल ब्यूटिफुल। इनमें से मैं कुछ सिलेक्ट करने वाली हूँ, कुछ शॉर्ट लिस्ट होने वाले हैं और उनके हिसाब से मैं ये लुक्स को रिक्रिएट करूँगी। एडिटिंग बाद में होगी, लेकिन सबसे पहले तो है स्टेप कि हमें शॉर्ट लिस्ट करने हैं। So there are many beautifuls. It will take a time for me to shortlist few, क्योंकि वो सारी चीज़ें मेरे पास में होनी भी चाहिए। So let's see. So after shortlisting, I have taken out 2 pictures and the first picture that I'm going to recreate is this one. Beautiful, the traditional one. We used to make gajras and everything. So in traditional attire, in sari and everything. And the second picture that I have selected is this. So quite beautiful. This one, so I am going to replicate this. और इसके बाद में क्या क्या चीज़ें चाहिए वो हम रख लेते हैं। सो कमिंग टू द फर्स्ट पेंटिंग क्रिएटेड बाय शशिकांत धोत्रे, बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग है, जान के आपको हैरत होगी कि ये जो आर्टिस्ट हैं, मुंबई बेस्ड आर्टिस्ट, ये अपनी पेंटिंग्स बनाते हैं ऑयल पेंट से नहीं, जबकि कलर्ड पेंसिल से। तो इतनी खूबसूरत पेंटिंग को आज हम रिक्रिएट करने वाले हैं और उनके लिए ये सारी चीज़ें हमें लगने वाली हैं। पिक्चर में एक फूलों की डलिया है, तो मेरे पास में इस तरीके का बास्केट था, उसके ऊपर ये वर्क किया हुआ था, किसी क्राफ्ट में मैंने यूज़ किया था। तो मैं इसको हटा दूंगी और फटाफट से हम अपने डलिया बना लेंगे। सो पहले पिक्चर के लिए जो मैंने बैकग्राउंड बनाया है वो इस ब्लैक साड़ी से बनाया है। तो आप देख सकते हैं दरवाजे के ऊपर मैंने 2 क्लिप्स ऐसे लगा ली हैं, पेस्ट कर ली हैं, और उसके ऊपर एक नाड़ा लगा लिया है और नाड़े के ऊपर मैं इस साड़ी को पिन कर दूंगी ताकि ये एक जगह स्टेबल रहे। तो ब्लैक बैकग्राउंड था ऑब्वियसली, तो इसलिए मैंने ब्लैक साड़ी ले ली है। जो दीवार वाले हुक्स हैं काफ़ी अच्छे हैं, अगर आपको परचेज़ करने हैं तो लिंक दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ले सकते हैं। मेरे ऑलमोस्ट प्रॉप्स रेडी हो चुके हैं, अब बारी आती है मेरे सजने संवरने की। तो यहाँ पे एक बन बनाया हुआ है, मैंने भी यहाँ पे बन बना लिया। कुछ हाई पॉइंट्स पे मेरे मैं यहाँ पे हाईलाइटर लगा लेती हूँ, क्योंकि अगर लाइट आपके फेस पे पड़ती है तो वो पॉइंट्स थोड़े हाईलाइट हो जाएंगे, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा हाईलाइटर लगाया है। और प्लस नोज़ के ऊपर कॉन्टोरिंग करी है, क्योंकि पेंसिल स्केच है तो नोज़ बहुत ही शार्प और अच्छी दिख रही है। इसके बाद में मैं अपनी ज्वेलरी पहन लूँगी, चूड़ियाँ, और उसके बाद में एक ठुशी पहनी है जो महाराष्ट्रियन लोग पहनते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे कि एक लंबी गोल्डन मोती की माला पहनी हुई है पिक्चर में, तो लंबी तो नहीं थी, तो मैं 2 ऐसी ही मालाओं को जोड़ लूँगी उनके हुक्स के साथ में और एक लंबी माला बन जाएगी। तो बड़ा यूज़फुल हैक है, याद रखना ज़रूर। अब बस एक चीज़ बचती है जो कि है मांग में सिंदूर, बिंदी नहीं दिख रही है, मैंने यहाँ पे सिंदूर लगा लिया है और एक बाजूबंद। सो बैकग्राउंड सेट है, अब मैं प्रॉप्स की तैयारी करूँगी, मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। और यहाँ पे मैंने डलिया ले लिया है, थोड़ा अलग सा डलिया है लेकिन चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अंदर मैंने क्या किया है, इस तरीके के एक फिलिंग डाल दी है ताकि जो फूल हैं वो ऊपर ऊपर की तरफ दिखें, और ऑरेंज इस तरीके से मेरे पास में ऑलरेडी फूल थे आर्टिफिशियल, तो वो मैं यहाँ पर रख लूँगी। इसके बाद में मैं कुछ प्लेस इसको कर दूंगी और देखती जाऊंगी कि ये फ्रेम में आ रहे हैं, फ़ोटो यानी कि कैमरा के फ्रेम में। तो यहाँ पे मैं चीज़ें रख दूंगी और उसके बाद में मैं खुद बैठ जाऊंगी और फिर फ़ोटोज़ हम लोग क्लिक करेंगे।
सो मैंने प्रॉप्स तो रख लिए हैं, अब मैं कमरे की लाइट बंद करके खिड़की वगैरह सब बंद करने के बाद में अंधेरा जब हो जाएगा उसके बाद में मैं रिंग लाइट इस तरीके से लगाऊंगी ताकि जो फेस के ऊपर लाइट आए वही आए। तो रिंग लाइट की भी जो ल्यूमिनोसिटी है उसको थोड़ा सा कम में ही रखूंगी ताकि ये अच्छे से पिक्चर आ जाए। एक बार मैं चेक कर लूँगी कि मैं फ्रेम में आ रही हूँ कि नहीं, उसके बाद में मैं दूसरे प्रोसेस पे जाऊँगी। सो फोटो क्लिक करने से पहले मैं यहाँ पे ओरिजिनल फ़ोटो देख लूँगी ताकि मैं एग्जैक्ट पोजीशन पे आ जाऊँ और फिर उसके बाद में हम लोग क्लिक्स स्टार्ट कर देंगे। सो यहाँ पे मैंने क्लिक स्टार्ट कर दिए हैं गाइस। अभी आप देख सकते हैं कि साइड में बास्केट के पीछे मैंने मोबाइल रखा हुआ है दूसरा, जहाँ से मैं ओरिजिनल पिक देख रही हूँ ताकि ये सेम टू सेम आ रहा है कि नहीं वो चेक करने के लिए। मैंने बहुत सारे क्लिक्स लिए हैं और उनमें से मैं अब बाद में शॉर्टलिस्ट करके एडिट करूँगी एक पिक्चर को। सारे पिक्चर्स देखने के बाद में मैंने ये पिक्चर सिलेक्ट किया है जो मैं स्नैपसीड पे एडिट करने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं इस पिक्चर को क्रॉप करूँगी और जो भी अनरिक्वायर्ड एलिमेंट्स हैं जैसे साड़ी का बॉर्डर वगैरह है उनको मैं हीलिंग प्रोसेस से हटा दूँगी। मैं अभी आपको क्रिस्प में ही बता रही हूँ कैसे मैंने इसको एडिट किया है। डिटेल्ड जो है वो सेकेंड पिक्चर के जो प्रोसेस है उसके एडिटिंग में आपको पूरे की पूरी चीज़ें पता चल जाएंगी, स्नैपसीड के सारे फीचर्स और भी आपको समझ में आएंगे। एडिटिंग प्रोसेस दोनों की ही ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, एक जैसी ही है और स्नैपसीड से ही करी हुई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैं आपको थोड़ा सा ऊपर ऊपर से ही बता दे रही हूँ, अदरवाइज़ मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं अगर मैं आपको बताऊँ तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा प्रोसेस। सिमिलर ही चीज़ें हैं दोनों की ही एडिटिंग में, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मैं आपको क्रिस्प में बता दे रही हूँ और जो सेकेंड पिक्चर की एडिटिंग होने वाली है उसमें आपको और डिटेल्स पता चल जाएंगी और एडिटिंग में आप एकदम गुरु बन जाएंगे। सो सेकेंड पिक्चर की एडिटिंग ज़्यादा डिटेल में है, वहाँ पे आप जाके ज़रूर से देख लीजिएगा कैसे मैंने एडिट करा है और कैसे मैंने ट्रांसफॉर्म करे हैं जो ओरिजिनल पिक्चर्स थे उनको, कैसे किस हद तक मैं पेंटिंग वाले पिक्चर्स तक लेके आई हूँ। सो आफ्टर यूजिंग मोस्ट ऑफ द फीचर्स फ्रॉम द स्नैपसीड जो मेरी एडिटेड पिक्चर है वो ये है। सो ये फोटो टर्न हो चुकी है एक पेंटिंग में जो रिक्रिएशन थी ओरिजिनल पिक्चर की। तो ओरिजिनल पिक्चर ये है, ओरिजिनल पेंटिंग ये है, उसके बाद में मेरी जो ओरिजिनल पिक्चर थी फ़ोटो थी वो ये है और जो मैंने एडिट करी है वो ये है। कैसा लग रहा है ये ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर बताना, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। कमिंग टू द सेकेंड पिक्चर विच इज़ कॉल्ड एज ग्लो ऑफ होप या फिर वुमेन विद द लैम्प, और इसके पेंटर हैं SL हल्दनकर और मैं आपको बता दूँ 1945 से 46 की ये पेंटिंग है। ओह माय गॉड, आई एम गोइंग टू रिक्रिएट दिस। तो पिक्चर को देखते साथ मुझे ऐसा लगा ये वाली साड़ी काफ़ी हद तक मैच करेगी, मेरे पास एकदम से वैसी साड़ी नहीं थी। ऑब्वियसली मेरे जो कपड़े उनके पास में नहीं होंगे, उनके जो कपड़े हैं मेरे पास में नहीं होंगे। तो यहाँ पे मैंने एक साड़ी ली है और ठीक वैसा ही पल्लू लेना चाह रही हूँ मैं। और यस, इसके साथ में एक ब्रोच लगाया हुआ है, उसमें एक हॉरिजॉन्टल ब्रोच है, मेरे पास में वैसा तो नहीं था लेकिन जो था वो मैंने यहाँ पे इस तरीके से लगा लिया है। पिक्चर का सेटअप मेरा वही रहेगा, सेम बैकग्राउंड रहेगा और उसके बाद में हम लोग पिक्चर लेना शुरू कर देंगे। यहाँ पे देखिए मैंने एक वीडियो आपके सामने पेश कर रही हूँ और यहाँ पे मेरे पास में एग्जैक्टली वैसी समय तो नहीं थी, तो मैंने एक छोटी सी समय मेरे पास में थी वो मैंने ले ली है और दिया लगाया हुआ है और वैसे ही बस पोज दे रही हूँ एंड क्लिकिंग द पिक्चर्स। आफ्टर द एडिटिंग व्हाट विल कम लेट्स सी। सो लेट्स स्टार्ट विद द एडिटिंग ऑफ द सेकेंड पिक्चर। यहाँ पे सेकेंड पिक्चर बहुत सारे लिए हैं और यहाँ पे मैं जो सिलेक्ट कर रही हूँ वो थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद में मुझे ऐसा लगता है ये वाला पिक्चर एकदम अप्रोप्रिएट रहेगा और इसको मैं एडिट करूँगी। स्नैपसीड आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और मैंने जब ओरिजिनल पिक्चर देखी तो मुझे ऐसा लगा ब्लंडर हो गया है मेरे साथ में, क्योंकि ओरिजिनल पिक्चर में ब्लैक बैकग्राउंड नहीं है और मैंने ब्लैक बैकग्राउंड ले लिया। और लेकिन क्या करें, हो गया, मतलब अब बहुत सारी एडिटिंग की ज़रूरत है। सबसे पहले तो मैं इस पिक्चर को क्रॉप करूँगी और जो साइड में बॉर्डर्स देख रहे हैं उनको मैं हीलिंग करके एक टैब रहता है इसी ऐप में, वहाँ से मैं उसको क्लिक करके हील करूँगी जो भी इसमें अनवांटेड चीज़ें हैं जैसे कि बॉर्डर है उसको मैं हटा दूँगी, रिमूव करूँगी। हीलिंग प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ा ध्यान से करिएगा और कोई बात नहीं, अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो इसमें अंडू ऑप्शन है, उसके बाद में आप फिर से इसको आप सेव करके ही दूसरे कमांड्स दीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से क्लियर हो गया है, लेकिन आप चाहते हैं कि अगर इसका थोड़ा सा एक्सपोजर कम कर दें ताकि थोड़े से नीट कॉर्नर्स दिखें, तो आप इसको इस तरीके से एक्सपोजर को कम करके थोड़ा सा शार्पनेस मेरे जो पल्लू की है बॉर्डर एरिया वहाँ पे आप दे सकते हैं और फिर सेव ज़रूर करिएगा।
ओके, नाउ आई विल बी गोइंग टू द विंटेज टैब और इसको क्लिक करूँगी और जो भी अप्रोप्रिएट लग रहा होगा मुझे ओरिजिनल पिक्चर के नियरेस्ट वो मैं क्लिक कर दूँगी। और उसमें भी आपके बहुत सारे टैब होते हैं, ब्राइटनेस, सैचुरेशन, कॉन्ट्रास्ट, विंग नेट, तो आपको जो भी जिस हिसाब से भी स्केल चाहिए वैसे आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसके बाद में मैं जाऊंगी पोर्ट्रेट्स में, क्योंकि जो इल्यूमिनेशन है मेरे फेस के ऊपर लाइट जो है वो कम लग रही है और ओरिजिनल पिक्चर में ज़्यादा है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे जाऊंगी पोर्ट्रेट्स में, स्किन स्मूदनिंग करूंगी और फेस लाइट थोड़ी सी और बढ़ा दूंगी और आई क्लैरिटी को मैं एकदम ही ज़ीरो कर दूंगी क्योंकि मुझे पॉप्ड अप आईज नहीं चाहिए। इसके बाद में मैं एक बार देखूंगी HDR स्केप में कैसा आ रहा है। HDR स्केप से हल्की सी पेंटिंग इफेक्ट आ जाती है, तो यहाँ पे भी जो टैब्स दिख रहे हैं सैचुरेशन और फिल्टर स्ट्रेंथ, इन सबको आप कंट्रोल करिए और उसके बाद में देखिए कि कौन से अप्रोप्रिएट है, वहाँ पे आप सेव कर दीजिए। ओरिजिनल पिक्चर में आप देख सकते हैं कि पीछे एक शैडो बनी हुई है बॉडी के, तो यहाँ पे मैं जाऊँगी जो ब्रश है उस पर और वहाँ पे मैं एक्सपोजर ले लूँगी, माइनस करूँगी एक्सपोजर को और अपने बॉडी के पीछे इस तरीके से शैडो क्रिएट करूँगी अपने फिंगर्स के हेल्प से। नेक्स्ट यहाँ पे मैं सिलेक्टिव टैप से सैचुरेशन पॉइंट के साथ में खेलूँगी, सैचुरेशन में कम ज़्यादा करूँगी और देखूँगी कि ओरिजिनल पिक्चर में कैसे किस हिसाब से उसके नियरेस्ट जा सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं शैडो के पीछे ओरिजिनल पिक्चर में काफ़ी प्रोमिनेंट कलर है जो कि येलोइश, ग्रीनिश येलोइश इस तरीके से है, तो यहाँ पे मैं वैसे ही सैचुरेशन को कम ज़्यादा करके देखूंगी कि मैं किस हिसाब से नियरेस्ट ओरिजिनल आ सकती। इसके बाद मैं अगेन ब्रश में मैं गई और टेम्परेचर जो है वो उससे मैं थोड़ा सा अगेन फिंगर मूवमेंट से ही जो पिक्चर है, मतलब आपको स्क्रीन पे ही फिंगर मूव करनी है तो आप उस हिसाब से टेम्परेचर को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छा एक इफ़ेक्ट आ चुका है। इसके बाद मैं फिर से मैं HDR स्केप में जाके जो भी इसके मीटर्स हैं उनको हाई लो करूँगी और ताकि एक पेंटिंग वाला इफ़ेक्ट आ सके जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। आपको इन्हीं के साथ में खेलना है, एक्सपेरिमेंट करना है और देखना है कौन सा पॉसिबल वे है। इसके बाद मैं एक्सपैंड करूँगी पिक्चर को क्योंकि साइड वेज में ये थोड़ी सी ब्रॉड पिक्चर है और हील करने के बाद में जो भी एक्स्ट्रा आइटम्स हैं जहाँ मैं यहाँ पर हील कर रही हूँ उनको रिमूव कर रही हूँ। प्रोसेस को सेव करने के बाद में मैं अगेन ब्रश में गई और जो एक्सपोजर है उसको मैंने यहाँ पे कम कर दिया है और जो साड़ी का बॉटम पार्ट है और साइड पार्ट है उसमें भी मैंने थोड़ा सा एक्सपोजर से थोड़े से शेड्स दिए हैं ताकि वो थोड़ा सा ऐसा डार्कर दिखे जैसे ओरिजिनल पिक्चर में है, और जो भी प्लीट्स हैं अराउंड माय प्लीट्स पल्लू वाले एरिया में तो वहाँ पे भी मैं थोड़े से स्ट्रोक्स दे दूँगी ताकि थोड़ा सा डार्क शेड आ सके। सेटिस्फाइड रिजल्ट मिलने के बाद में मैं अगेन क्रॉप करूँगी और जो शैडो का जो हेड पार्ट था वो थोड़ा आधा ही है ओरिजिनल पिक्चर में तो मैंने उसको क्रॉप कर दिया है जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट प्रोसेस पे जाते हैं। हमने अगेन ब्रश लिया है और ब्रश से मैं क्या करने वाली हूँ, टेम्परेचर सिलेक्ट करूँगी और जो शैडो के पीछे का बैकग्राउंड है उसको मैं थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज़ करके और डिक्रीज़ करके देखूँगी कि किस हिसाब से ये कलर बैठ रहा है। इसके बाद मैं ट्यून इमेज में जाके इसमें बहुत सारे और ऑप्शंस भी हैं उनके साथ भी खेलूँगी, प्लस माइनस करूँगी और जो मुझे अप्रोप्रिएट लगेगा वहाँ पर मैं स्टिक कर दूँगी। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं शेडोज़ और वॉर्म्थ, इस हिसाब से मैं मीटर्स को अप डाउन करूँगी और फिर उसके बाद में इस पिक्चर को सेव कर लूँगी, मुझे ये अप्रोप्रिएट लग रहा है। अब इसके बाद में मैं कहाँ जाऊँ, HDR स्केप में जाऊँगी और HDR स्केप में जाने के बाद अगेन जो ब्राइटनेस है और जो भी इनके फिल्टर स्ट्रेंथ्स सैचुरेशन पॉइंट्स हैं उनको भी प्लस माइनस करूँगी और एक अप्रोप्रिएट मैं देखूँगी कि आपका आउटकम आया है कि नहीं और उसके बाद में मैं सेव कर लूँ। पिक्चर में बहुत ज़्यादा सैचुरेशन नहीं है इसलिए मैंने इस पिक्चर का भी सैचुरेशन घटा दिया है और काफ़ी हद तक ओरिजिनल पिक्चर से ये रिलेट हो रहा है। सेव कर दूँगी और उसके बाद में जो मेरा एडिटेड पिक्चर है वो है ये। एंड इफ़ यू लाइक दिस प्रोसेस ऑफ एडिटिंग देन डू लेट मी नो, बहुत मेहनत लगती है, एक लाइक ज़रूर कर देना। सो जस्ट चेक कि क्या ओरिजिनल पिक्चर थी, क्या मैंने फ़ोटो खींची और एडिटिंग के बाद में कहाँ से कहाँ पहुँच गई ये पिक्चर। तो अगर पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करना, बिल्कुल मत भूलना। तो आपने देखा कि इन पेंटिंग्स को कैसे रिक्रिएट करा है मेरे सेल्फ पोर्ट्रेट्स के थ्रू। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करना और ऐसी और वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं ऐसे वीडियोस और आप लोगों के सामने लेके आऊँगी रिक्रिएशन से रिलेटेड। सो यस, आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करिएगा इस वीडियो को भी। और अगले वीडियो आने तक बाय, टेक केयर।